हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करवाता हूँ, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो, जो भी करंट अफेयर्स होंगे या फिर आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम इस न्यूज़ में कवर करेंगे। टोटल मैं आपके 8 से 10 मिनट लूँगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? भजन लाल शर्मा विल बी न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के न्यू चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया है? भजन लाल शर्मा को, ठीक है? तो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि अभी इलेक्शंस हुए हैं तो अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसमें आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। लोकसभा पासिस बिल्स फॉर वुमेन्स कोटा इन JNK पुडुचेरी। तो लोकसभा ने पास किए हैं बिल JNK और पुडुचेरी, जो कि यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको भी जो है रिजर्वेशन देने की बात की है। जो 106 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, जिसके तहत 33% कोटा देने की बात की थी वुमेन्स को, उन बिल्स को JNK और पुडुचेरी के लिए भी जो है वो एक्सेप्ट किया गया है, पास किया गया है लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। हाँ, रोड एक्सीडेंट्स फैटलिटीज़ इंक्रीज लास्ट ईयर पुलिस। तो पुलिस ने बोला है कि जो रोड फैटलिटीज़ हैं, फैटलिटीज़ का मतलब होता है कि गाड़ी चलाते टाइम किसी की मृत्यु होना, डेथ होना। तो ये जो रोड फैटलिटीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी हैं दिल्ली के अंदर, अगर पिछले साल से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे। उसके बाद ये तमिलनाडु की न्यूज़ है, तो हमें उसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब स्टेट्स की न्यूज़ है, पूरा स्टेट वाला पेज है, तो ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्ल्यू ऑफ स्टेप्स टू कर्व रश एट सबरीमाला। तो सबरीमाला मंदिर आपको पता है केरल के अंदर है, तो वहाँ पर क्या हुआ था, अभी वहाँ पर जो है पिलग्रिमेज आ रहे हैं, मतलब यात्री वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वहाँ पर एक हादसा हुआ। 8 साल का एक लड़का था, उसकी डेथ हो गई भीड़ के दौरान। तो स्ल्यू का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ जो है स्टेप्स लिए गए हैं, ताकि जो रश है सबरीमाला केरल के अंदर मंदिर में, उसको कम किया जाए। तो प्रशासन जो है एकदम टाइट हो गया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट होगी। ये थोड़ी सी पॉलिटिकल न्यूज़ आ गई, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ऑडिटोरियल आया हुआ है, एंड एंटी टेरर लॉ एंड इंटरफेरेंस विद लिबर्टी। एंटी टेरर का मतलब होता है टेरर को कम करने के लिए जो कानून लाया गया है, या फिर जो कानून है, और वो कैसे इंटरफेयर कर रहा है हमारी लिबर्टी के ऊपर। आपको पता है UAPA मतलब अनलॉफुल प्रिवेंशन डिटेक्शन जो एक्ट है, जो कि हमें मतलब सरकार उन लोगों पे वो एक्ट लगाती है जिनको उनको लगता है कि ये जो है देश के लिए हानिकारक हो सकते हैं, ठीक है, उनको डिटेन करके रखती है। तो इसका भी कहीं ना कहीं मिसयूज़ भी किया जाता है, उसी के बारे में ये आर्टिकल लिखा हुआ है। एक जर्नलिस्ट था JNK का, जिसका नाम था फहाद शाह, उसको बहुत बार जो है बेल दी गवर्नमेंट ने, उसको डिटेन किया गया था UAPA के तहत, तो उसको बहुत बार बेल दी गवर्नमेंट ने, और अभी जो JNK हाईकोर्ट ने है उसने उनको मतलब उसके ऊपर जजमेंट दी है, उसको बेल भी दी है, और ये भी बोला है कि कभी कभी ये जो UAPA है ना, हमारे जो लॉज है ना, इनका मिसयूज़ किया जाता है, ठीक है, इनका मिसयूज़ किया जाता है बहुत बार। तो इसी के बारे में उन्होंने बात की है कि इससे क्या होता है, डिफॉर्मेशन होती है, मतलब गलत न्यूज़ फैलती है, बदनामी होती है एक आदमी की जिसको अरेस्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें लिखी है, और ये लिबर्टी के ऊपर भी हमारे मतलब हमारी जो आज़ादी है उसको भी मतलब हार्म करता है। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर में लिखी हुई हैं। गवर्नमेंट इसको कभी कभी अपने पर्पस के लिए, मतलब अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए भी यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलेंगे हम लोग, जो भी इम्पोर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। हाँ, ऑनलाइन इम्परसोनेशन केसेस टफेस्ट टू इन्वेस्टिगेट। इम्परसोनेशन का मतलब होता है धोखाधड़ी करना। तो जो ऑनलाइन धोखाधड़ी के केस है ना, इनको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। ये एक डेटा ने बताया है, ये डेटा दिया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मतलब जो साइबर क्राइम्स होते हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन ठगी होती है उनको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, और ऐसे बहुत सारे फ्रॉड जो हैं महाराष्ट्र में, गोवा में, उत्तर प्रदेश में जो है वो पाए गए हैं, और इनको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट होगी। इंडियाज़ एक्सट्रीम रेनफॉल कॉरिडोर।
ठीक है, कॉरिडोर होता है जो दो जगहों को कनेक्ट करता है। तो इंडिया का एक्सट्रीम मतलब ख़तरनाक रेनफॉल, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ा सा आपको समरी बताऊंगा कि जितना भी जो मानसून है ना, अभी जो जितनी भी मानसून सीज़न आता है, बारिश का सीज़न आता है, उसमें ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा प्रभाव है। जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और इससे जो है ना रेनफॉल का स्तर भी जो है धीरे धीरे कम हो रहा है और बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रही है लैंड की, ठीक है। उसके बाद ये जो इवेंट्स है ना, ये हमें मतलब एक्चुअली सिमल्टेनियस मतलब ये एक साथ हमें इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, या फिर ये नॉन सिमल्टेनियस हैं, मतलब एक साथ देखने को नहीं मिलते हैं। तो मतलब कुछ भी हो जाता है, क्लाइमेट एकदम चेंज हो जाता है, तो ये सारे इवेंट हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि हमें हार्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि इंडिया का जो मानसून फॉरकास्ट है ना, फॉरकास्ट मतलब प्रेडिक्ट करना, ये रिलाई करते हैं ELI नीनो और LA नीना फिनोमिना पे, ठीक है। तो इन दो फिनोमिना को आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। अर्जेंटीना में अभी इलेक्शन हुई है तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, राज्यसभा ने पास किया है बिल अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को लेके। तो ये बिल जो है प्रपोज किया गया राज्यसभा में और इसको पास किया गया है। अपोजिशन इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रही है कि ये जो बिल है ये बिना सुप्रीम कोर्ट को पीछे मतलब इन्वॉल्व किए इस बिल को पास किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि हमने जो है सुप्रीम कोर्ट के मतलब अंडर में, गाइडेंस के अंदर में इस बिल को हम लोग जो है वो पास कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट होगी। ये वही है राजस्थान के, वो बने। उसके बाद मोदी जी ने ग्लोबल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है उसको स्टार्ट किया, किक ऑफ किया, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। 74% इंडियंस कुड नॉट अफोर्ड हेल्थी डाइट इन 2021। तो लगभग 74% जो इंडियंस हैं उनको हेल्थी डाइट नहीं मिली 2021 में। तो इस रिपोर्ट को भी आपको याद रखना है। ये रिपोर्ट किसने दी है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये रिपोर्ट दी गई है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, उनकी ये रिपोर्ट आई है। लगभग 74% इंडियंस जो है उनको 2022-21 में हेल्दी डाइट नहीं मिली। तो एग्ज़ाम में आप इसका रेफरेंस दे सकते हो। बाकी गाज़ा के अंदर अभी भी जो है अटैक चल रहा है इज़राइल के द्वारा। उसके बाद ये बिजनेस की न्यूज़ और ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ गई, जिसमें साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हरा दिया। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।